कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे? अगर नहीं हो ठीक, जल्द से ठीक हो जाओ। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। यार तुम लोगों को बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि मैं कहाँ गायब था। आप लोगों को पता ही था कि मेरे क्रिकेट की वजह से थोड़ा शेड्यूल मेरा हो गया था थोड़ा ज़्यादा बिजी, जिसकी वजह से मैं अब थोड़ा बहुत फ्री हो चुका हूँ। और अब उम्मीद करता हूँ कि हफ्ते में मैं तकरीबन 2-3 ब्लॉग्स तो इंशाल्लाह डालूंगा। आज है 14 अगस्त, आपको बहुत बहुत पहले तो मुबारक हो। और उसके बाद आज के जो जो सीन्स होते हैं ब्लॉग तो जाके अपलोड होना है कल 15 अगस्त को, तो आप लोग कल देखोगे। और उसके बाद ये सीन्स है कि आज DHA टूर्नामेंट हो रहा है, जो कि हर बार की तरह आल पाकिस्तान होता है, तो आज सेमीफाइनल और फाइनल है। आज वहाँ पे भी चलेंगे और बाकी आज के दिन में जो जो सीन्स होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे कनेक्टेड है। तो आगे फिर देखते हैं अभी क्या होता है, मिलते हैं फिर आपसे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यार नहा धो के फ्रेश तो मैं हो गया हूँ, और अभी गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी ज्यादा पड़ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बादलों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, इधर से इतने दूर है, उस साइड से भी इतने दूर है। खैर अभी नमाज जोहर का वक्त हो चुका है और अभी चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको मजीद अपडेट देता हूँ। यार नमाज अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ लिया, और ये अब्दुल्ला साहब जा रहे हैं नमाज पढ़ के। और अभी सीन ये है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी हम शाम का सीन करेंगे। उमैर और मेरा प्लान है कि अहमद के पास भी जाना है हमने, तो फिर आपको शाम के वक्त ही मिलते हैं असर के बाद। 5 hours later शाम जो है वो हो चुकी है, और अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम हो रहे हैं 6:05, और अभी उमैर के पास मैंने जाना है। उमैर ने मुझे कहा था कि 6 बजे तक आ जाएं, अहमद के पास चलेंगे। अहमद के पास चलते हैं। आपको पता ही है कि हर बार मैं ब्लॉग में बताता हूँ कि वो भाई साहब तो घर से निकलता ही नहीं है। हम काफ़ी टाइम हो गया नहीं मिले, छोटी ईद पे मिले थे, वो भी ईद के पहले दिन फ़ोटोशूट किया उसने, और फिर उसके बाद से मिला ही नहीं है। खैर अभी चलते हैं उसके पास और फिर देखते हैं आता भी है कि नहीं आता। उसके बाद फिर बाकी सीन्स तो रात के हैं, वो मैच पर हम चलेंगे और आपको फिर भी दिखाते हैं। अगर वो आ जाता है तो ठीक, वरना उमैर और मैं यहीं तक जाएंगे सदर पुलिया 1 यूनिट तक, थोड़ा बहुत घूम फिर के तो फिर वापस आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे उमैर के पास। तो यार इधर गली में पहले वाली में पहुंच गए, उमैर को मैंने बुलाया तो उमैर आ रहा है। यहाँ पे फुल माहौल बना हुआ है, बच्चे जो है वो पटाखे वगैरह बजा रहे हैं, झंडे भी लगे हुए हैं। तो अभी उमैर आता है फिर मैं आपसे मिलवाता हूँ। ठीक है, एंट्री हो गई है। कैसे उमैर? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक? ठीक आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आया, क्या सीन है? अब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। बस ठीक है, फिर चले उमैर भी, हाँ निकलते हैं हम। हाँ उसे कह रही क्या, हम आए थे उसे क्या, तू आएगा चला। तो यार अभी हम चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर अहमद ना आया तो फिर हम दोनों ही निकल जाएंगे कहीं 1 यूनिट वगैरह से इधर उधर से घूम के, तो फिर चलते हैं घर पर। चले उमैर भी फिर घूम फिर के ऐसे चक्कर लगा के, तो चलो इस बंदे का घर देख लो, सारे यहीं पे पहुंच जाओ अभी थोड़ी देर में। यार ट्रैफिक इधर देखो कितनी कट, फुल टाइम अभी निकले हुए हैं, ये जा रहे होंगे DHA कंफर्म है। ये देखो हाय हाय, डिगियाँ खोल के अपनी डिगी ओपन करके यार अभी हम चलते हैं सदर पुलिया या फिर गेट तक चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आए कोई माहौल मिलता है आपको दिखाते हैं। माहौल आप समझ रहे होगे, नोटी हो रहा भाई, ट्रैफिक देखो यार। फुल टाइम आवाम दिख रही है, और अभी फुल टाइम मौसम अच्छा हो गया ना, सुबह तो 40 डिग्री था आज, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है। अभी आवाम ये सारी घूमने फिरने जा रही होगी। और जो टाले इनके साथ साथ हैं, फुल प्रोटोकॉल मिला हुआ है पकड़ने के लिए, ये छपरी लोग चेक करो डांस कर रहे हैं। देख रहे हो फिर प्रोटोकॉल हमारे लिए कैसे आगे आवाम जा रही है।
मीटअप ना हो जाए हमारे साथ। पहले नहीं था, जब भी आया तो पहले हमारे साथ कोई नहीं था, उनको पता लगे ना आगे फैंस होंगे हमारे। इस वजह से उन्होंने सिक्योरिटी टाइट कर दिया। ये देखो यार, पता नहीं हमें कब जगह मिलेगी, कब हम निकलेंगे। बाउंसर बोला आपने, बाउंसर। ये एक और छपरी मिल गए। साल बाद मोहब्बत याद आ गई। हाँ, इकबाल के शाहीन साल बाद निकल आए बगैर पर हो गए। देख यार, बेचारे ऐसे फंसे हुए एक छोटी सी रैली की वजह से जो चौक पे बन रही थी। फैंस हमारे, हमने भी अपना रैली में हिस्सा डाल दिया। उमेर भी आजादी मना लिया, फिर हमने बहुत अच्छी मनाई है। बस हम फ्रीज गेट से हो गए तो फिर अब फ्रीज गेट पे बस फैन इतने आ गए थे। हाँ, फैंस इतने आ गए थे, हमें प्रोटोकॉल इतना मिल गया था, हमें निकलने की जगह नहीं, हमारे बाउंसरों को खले पड़े हैं। बस इसी वजह से बस हम वापिस चलते हैं घर पे, और घर चल के उमेर को छोड़ते हैं, और उसके बाद फिर आपको मिलूंगा मैं रात को इंशाल्लाह मैच। उमेर भी चलते हैं, निकलते हैं, फिर चलते हैं इंशाल्लाह रात को, चक्कर लगाता हूँ फिर है? करते हैं कोई सीन खापे छापे कभी। अभी तो ऐसे गए हैं, फिर बाद में सीन करते हैं। हाँ, अहमद तो आया नहीं, फिर आ जाएगा। चलो चलेंगे, चक्कर लगाते हैं रात को भी। हाँ चलते हैं, ठीक है फिर। चल ठीक है, ओके। आमदामद थी जिनमें कामरान अकमल, उमर अकमल और उनके साथ साथ उमरी पेसर पहले बॉल के साथ सामना करेंगे छोटा विकी। पहला बॉल पुल करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा बॉल पड़ने के बाद स्लो हुआ और मिड विकेट की जानिब इस बॉल पर एक स्कोर का इजाफा। उमरी पेसर सामना करेंगे जैनी, आई एम्पायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच बॉल और पड़ने के बाद बॉल थोड़ा स्लो भी हुआ और वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब। आज की रात का यह आखिरी मैच, उमरी पेसर एक बार फिर से और इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ये बॉल स्टंप से थोड़ा बाहर भी था और वाइट बॉल का इशारा अंपायर क्रीज में शुमार की जाती है। और बड़े मैच के ये बड़े खिलाड़ी भी हैं, तो यहां पर आप आज के इस आखिरी मैच में तवक्को कर सकते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करेंगे। और हवा में बॉल है, इस बार कैच की है अपॉर्चुनिटी, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, लॉजिक है ड्रॉप, कैच छूटा है यहां पर छोटा विकी का। आउट विकेट बॉल करते हुए, राउंड विकेट बॉल करते हुए, फुल टॉस बॉल है, फील्डर मौजूद नहीं है और ये गैप में खेले चार रन के लिए। एक तेज तरीन इनका रन अप है और बड़ी बर्क रफ्तार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं। लॉन्ग ऑन पर ग्राउंड शॉट खेलते हुए एक स्कोर का इजाफा किया, ये मकाम खड़ा किया है, यकीनन प्लेयर्स इससे मुस्तफीद होंगे। ये फुल शॉट भी बॉल था, ये कैच की अपॉर्चुनिटी है, फील्डर मौजूद है, कैच करने में कामयाब, लॉन्ग स्टॉप पर खड़े फील्डर ने। डिजिटल स्कोरिंग में पहला बॉल, क्या खूबसूरत गेंदबाजी है और ये रन आउट की अपॉर्चुनिटी, लेकिन ना किस रो रहा भुर्जी भाई जुबैर मंजूर। इस बार फ्लिक शॉट कादर पर बॉल के बाउंड्री से बाहर, छह रन के लिए। और सहराम का ये बॉल बहुत ही लाजवाब था, इस बार स्केलर की जानिब के लिए ग्राउंड शॉट, एक स्कोर का इजाफा रहेगा। सेंगे छोटा विकी और ये कैच की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फील्डर लॉन्ग स्टॉप के काफी दूर हैं, इसे रोकना कदर मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। क्या विकेट ले पाएंगे छोटा विकी की, ये फुल टॉस बॉल था, थोड़ा लेक्सम से बाहर भी, और रहा था कि शायद ये टूर्नामेंट जो है वो डिले कर दिया जाए, लेकिन बेहतरीन एफर्ट रही। इस बार बहुत ही ऊंचा शॉट खेल दिया है, स्क्वायर लेग की जाने, बॉल की बाउंड्री से बाहर, छह रन के लिए। बैटिंग पर मौजूद हैं, फ्लिक करने की कोशिश की, बॉल लेग स्टंप पर था, मैच का हीरो साबित हुआ था। लवली पीस ऑफ बॉलिंग एंड बिहाइंड द स्टंप्स विकेट कीपर, ना किस विकेट कीपिंग देखने को मिली। हमारी झूमर पार्टी फिर से बॉलवा में और कई बॉल बाउंड्री से बाहर, छह रन के लिए। हामिद क्या वापसी कर पाएंगे, ओ माय गॉडनेस, अनबिलीवेबल। हामिद वापसी करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस बार लेग स्टंप से बॉल थोड़ा बाहर था, वाइट बॉल का इशारा।
इस बार फिर से पुल करने की कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हो सके शामिल है। अमर बाजवा सामना करते हुए खूबसूरत शॉट बैंग बैंग एट द कॉ कॉर्नर हारते हैं। हामिद अजीज आज थोड़ा सा मुश्किल से तो चार एक और ऊंचा शॉट और खूब रिजल्ट देख सके वहां एंजॉय कर सकेंगे। हामिद बालवा में यह किस्सा तमाम हो सकता है, ये विकेट मिल सकती है लेकिन क्या ड्रॉप हुआ। इंतखाब करेगा गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर ट्रिक करने की कोशिश और शबाज चार इस बार ओ माय गॉडनेस खुरम चकवाल वही चार बॉल का खेल बाकी खेल गए इस बार बैक उसके लकी जारी फील्डर मौजूद है लो जी गए हैं शबाज शाह लवली पेस ऑफ बॉलिंग एंड शुड बी जस्ट वन रन। सीनियर बल्लेबाज सामना जूनियर प्लेयर का इस बार बहुत उम्दा जो सबक दिया था उस्ताद ने वो सबक पर पूरा उतरे हैं और ये रन के लिए आए अंपायर को क्रॉस किया और इस बार बॉल हवा में है फील्ड मौजूद है लेकिन बॉल को रोक नहीं पा। 10 minutes later पहला बॉल उठा के खेला है चौच हसन पेंडा की विकेट आ सकती है लेकिन ड्रॉप कर दिया बहुत उस पर क्लिक किए और उसको 720 या फिर 10 8 से नैनी फिंगर थोड़ा डाउन द लेग साइड वाइड बॉल होगा आ सकते हैं पहली बॉल इस बार डाउन द लेग एक बार फिर से नैनी फुल टॉस उठा के खेला है। जी हां मैंने आपको कहा था कि हसन नैनी वंस अगेन इस बार एक बार फिर से मिस हिट था और यहां पे एक्स्ट्रा कवर पे है चौथा पांचवा बॉल नैनी ओहो किंग कैसी जी हां मच नीडेड बॉल एक बार फिर से नैनी अपने बॉलिंग के निशान से इस बार अच्छा बॉल कर गए खुरम अपने आप से नाखुश ऊंट किस करवट बैठेगा अगले कुछ मिनट्स में पता चल जाएगा। उमर बाजवा शॉट क्या है हसन पेंडा जी हां खड़े खड़े खेला है तो फिर से उमर बाजवा एक और शॉट एक और कमाल का छक्का हसन पेंडा की जानिब से एक और बेहतरीन शॉट एक और कमाल का छक्का इस बार बॉल हवा में है चांस फॉर कैच आउट होने का चांस नहीं जी फिर से ड्रॉप कर दिया। पांचवा बॉल कराएंगे उमर बाजवा अपने बॉलिंग के निशान से और इस बार अच्छा बॉल कर गए बेहतरीन कमबैक तीन छक अपने ओवर का आखिरी बॉल करवाएंगे फुल लेंथ बॉल अच्छा बॉल कर गए बेहतरीन कम और लेफ्ट हैंड के आगे अगेंस्ट खुरम चकवाल है जी फुल लेंथ बॉल अच्छा बॉल कर गए चालाक बॉलर है जैनी जानते हैं बैट्समैन की बॉल हर दो बॉल पर एक छक्का चाहिए जैनी फुल टॉस हाँ जी नो बॉल होगा और साथ में दो रन मिलेंगे सही तरह टाइम नहीं कर पाए बॉल करवाएंगे और इस बार अच्छा बॉल कर गए अच्छा कमबैक बिल्कुल फ्री हिट था लेकिन जबरदस्त तरीके से उसको बाउंड्री सेव की टाइटल के बिल्कुल करीब जैनी फुल लेंथ बॉल और वाइड बॉल होगा साथ में एक रन मिलेगा 32 बाकी मैच जीतने के लिए शॉर्ट पिच बॉल था इसे पुल करना चाहा लेकिन जैनी दौड़ना शुरू किया है हसन सामना करते हुए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके एक और अच्छा बॉल क्रिकेट तवक्को करेंगे खुरम चकवाल के फैंस तवक्को करेंगे बड़े शॉट्स की लेकिन परफेक्शन जबरदस्त बॉल मुसरिन मुना होंगे और इस बार ऐसे ने ऊंचा शॉट खेला फील्ड मौजूद है कैच हो सकता है मिड विकेट पर कैच करने में कामयाब छोटा विकेट और खुरम चकवाल अगर अपनी क्लास शो कर जाते हैं पहला बॉल लक्ष्यम से थोड़ा बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से गेंदबाजी कर जाएंगे दिलों की धड़कने तेज पहला बॉल डॉट करवाने में कामयाब चंदू चिश्तिया भाई ये क्या कर रहे हैं आप थे और इस वक्त भी तकरीबन पोजीशन अपनी मुस्तहकम किए हुए लो जी फैसला हो चुका तभी मैच का फैसला हो सकता है वरना नहीं लो जी मर्सलिन मुन्ना मैच खत्म कर दिया और ये चैंपियन बन गई मुल्तान गिव अप कर दिया है कंग्रेचुलेशन मुल्तान वो कैमरे पे पहुंचो कैमरे पे मुल्तान कंग्रेचुलेशन
मोहसिन मुन्ना कंग्रेचुलेशन छोटा विकी The next day. यार अभी जो है 15 अगस्त हो चुकी है, आप अभी ये ब्लॉग मेरा देख रहे होंगे, तो सीन अभी यह है कि आपने अभी फाइनल भी देख लिया होना है। और मैं जा इसलिए नहीं सका, मैं आपको सारा सिनेरियो बताता हूँ कि असद भी नहीं गया था ना चाचू गए थे, इसलिए मेरा भी प्लान नहीं बना। वो उसकी वजह क्या है कि जब मैं शाम के टाइम उमेर के साथ निकला हूँ, आपने उस टाइम ट्रैफिक देखी होगी, इतनी नहीं थी, लेकिन शाम के टाइम जो थी ना बहुत ही कम थी, हम इजीली आ गए थे। रात के टाइम जितनी ज़्यादा हो गई थी ना, इसकी डबल हो गई थी, तो जिसकी वजह से कोई भी नहीं गया। और फिर मैंने कहा मेरे भी जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो फिर मैंने कहा था कि फाइनल का जो मैच है वो ऐड मैं कर दूँगा। खैर यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।